नमस्कार दोस्तों, पिक माई वर्क के यस बैंक सेविंग्स अकाउंट प्रोजेक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट आखिर है क्या। यस बैंक के साथ मिलता है आपको 5.5% पर एनम तक का सेविंग्स अकाउंट में हायर इंटरेस्ट, वो भी हर किसी की ज़रूरत के लिए बना है डिफरेंट सेविंग्स अकाउंट और लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट्स भी सेलेक्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स पर। इसके साथ साथ मिलता है फ्री एटीएम विड्रॉल यस बैंक के एटीएम पर, फ्री आरटीजीएस और एनईएफटी, हैसल फ्री ऑनलाइन बिल और यूटिलिटी पेमेंट भी। इसके साथ साथ आप यस बैंक की कहीं भी किसी भी ब्रांच से बैंकिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्री डिमांड ड्राफ्ट अप टू प्री स्पेसिफाइड लिमिट्स, जो कि आपको डिटेल्स में बाद में मिल जाएंगी, और आप फ्री में ईमेल और ई स्टेटमेंट फैसिलिटी भी ले सकते हैं। वीडियो केवाईसी या डिजिटल अकाउंट खोलने के लिए कौन सा कस्टमर एलिजिबल है? तो वो एक इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, करंटली इंडिया में होना चाहिए, उनका आधार लिंक होना चाहिए उनके एक वैलिड मोबाइल नंबर से, पैन कार्ड होना चाहिए, और सेविंग्स अकाउंट सिंगल नेम में खोलेगा, ना कि जॉइंट अकाउंट में। इसके साथ साथ कौन डिजिटल अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल नहीं है? जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है यस बैंक का, जो NRI है या रेजिडेंट इंडियन है पर बॉर्न आउटसाइड द कंट्री है, कोई माइनर है, या जो जॉइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं, ऐसे लोग ये डिजिटल फॉर्मेट वाला अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या काम करना है एज अ पिक माई वर्क पार्टनर? आपको पिक माई वर्क ऐप में जाके बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यस बैंक वाले सेविंग्स अकाउंट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ऐड लीड पर क्लिक करेंगे और शेयर लिंक वाले टॉप में दिए गए ऑप्शन से UTM लिंक शेयर करेंगे कस्टमर या यूजर के मोबाइल में, ताकि उनकी ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो सके। आइए ऑनबोर्डिंग स्टार्ट करते हैं। ऑनबोर्डिंग का लैंडिंग पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा, जो यहाँ पर रीडायरेक्ट करेगा, और आपको क्लिक करना होगा ओपन सेविंग्स अकाउंट पर। इसके लिए कुछ जरूरी बातें हैं। कस्टमर का इंडिया में फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है, उनका पैन और आधार रेडी होना चाहिए, और उनका UPI या कोई अदर बैंक डिटेल की डिटेल्स उनके पास एकदम से क्विक एक्सेस में होनी चाहिए, ताकि उनका डिजिटल सेविंग्स अकाउंट खोल सके। क्लिक करने के बाद सबसे पहले वो मोबाइल नंबर मांगेगा, और उसके बाद OTP के जरिए वेरीफाई होगा। उसके बाद ईमेल ID एंटर करना होगा, जो अगेन एक वेरिफिकेशन लिंक जो कि कुछ इस तरीके से आएगा ईमेल पे, उसके जरिए ईमेल भी वेरीफाई होगा। उसके बाद आधार वेरिफिकेशन होगा, आपको आधार नंबर डालना होगा, और आधार जो मोबाइल नंबर से लिंक्ड होगा उस पर OTP आएगा, ताकि वेरीफाई हो सके। उसके बाद पैन डिटेल्स डालेंगे। पैन डिटेल्स डालने के बाद कुछ डिक्लेरेशंस पे साइन करने होंगे, यानी कि ई साइन, यानी कि टिक करना होगा कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ, नेशनल ऑफ इंडिया का है, और हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है वीडियो KYC के जरिए बैंक अकाउंट खोलने के लिए, और आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप प्रोडक्ट सिलेक्शन करेंगे यस प्रोस्पेरिटी पे, और उसके बाद वेरियंट का सिलेक्शन करेंगे, सेविंग्स अकाउंट प्रो या सेविंग्स अकाउंट प्रो प्लस। उनके जो फीचर्स होंगे वो यहाँ पर विजिबल होंगे। जनरली हमें सेविंग्स अकाउंट प्रो पर ही क्लिक करना है, जहाँ पे हमारी एवरेज मंथली बैलेंस की रिक्वायरमेंट है 10,000 की। उसके साथ डेबिट कार्ड फ्री मिलता है, जो कि एक वीजा प्लैटिनम कार्ड है। अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन्स मिलती हैं यस बैंक के ATM पे। इंस्टेंट एक्सेस मिलता है यस ऑनलाइन और यस मोबाइल पे, जिसमें फ्री IMPS, NEFT, RTGS मिलता है, और इंस्टेंट एक्सेस मिलता है यस रोबोट और व्हाट्सएप बैंकिंग पर। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, AMB रिक्वायरमेंट का पॉपअप आएगा जो भी अकाउंट चूज करते हैं। उसके बाद क्योंकि हमने आधार नंबर लिया था, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली कई सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑटोफिल होके आ जाएंगी, जैसे कि नाम, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, सिटी, पिन कोड। ये सही है तो इस पे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ पर्सनल डिटेल्स डालेंगे, जैसे कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्या नाम चाहिए आपको डेबिट कार्ड पे, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस का क्या फोन नंबर है, कम्युनिकेशन एड्रेस अगर वो सेम है एज परमानेंट एड्रेस।
इसके बाद आप ब्रांच और नॉमिनी की डिटेल्स एंटर करेंगे, कौन सी ब्रांच चाहिए आपको, क्योंकि हम ये अकाउंट डिजिटल अकाउंट में खोल रहे हैं इसीलिए हमें ब्रांच सेलेक्ट करनी होगी जो भी हमारे नियरेस्ट होगी, और उसके बाद हमें नॉमिनी डिटेल्स भी डालनी होगी। नॉमिनी डिटेल्स आप उस टाइम पे भी डाल सकते हैं और बाद में भी चूज करके डाल सकते हैं। इसके बाद कुछ बेसिक प्रोफाइल डिटेल्स डालनी होंगी, जैसे कि प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, कहाँ पे काम करते हैं, क्या ऑक्यूपेशन टाइप है, एनुअल इनकम क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मैरिटल स्टेटस, और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जितनी भी सारी डिटेल्स डाली हैं वो प्रीव्यू करेंगे पर्सनल डिटेल सेक्शन में। प्रीव्यू स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, जो भी हमने डिटेल्स एंटर करी हैं उसकी। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस पर टिक करना होगा और नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपकी वीडियो केवाईसी के जरिए आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन एक जरूरी बात गाइस, कि आपको आपका पे आउट कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको कस्टमर को बता के आना है कि आपको एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 रुपीज अपने अकाउंट में मेंटेन करना होगा, ताकि उनको कोई चार्जेस ना लगे और ये उन्हीं के ही बैंक अकाउंट में रहेंगे, क्योंकि ये है AMB विच इज एवरेज मंथली बैलेंस जो उनको मेंटेन करना होगा यस बैंक के साथ। पर यहां पर हमारा काम खत्म नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि अब हमें काम सबमिट करना है पिक माई वर्क ऐप में, ताकि हमें हमारा पे आउट मिल सके। उसके लिए आप ऑनबोर्डिंग फॉर्म या क्लेम फॉर्म पर जाएंगे, जहां पर आप डिटेल्स एंटर करेंगे, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और प्रूफ ऑफ कंप्लीशन। प्रूफ ऑफ कंप्लीशन कुछ भी हो सकता है जो वहां पर आपसे मांगा जाएगा, ताकि पिक माई वर्क ऐप को पता चल सके कि आपने ये काम कर दिया है। धन्यवाद।